राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पहली बार बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी पार्टी के नेताओं ने कहा कि प्रचार करना है क्योंकि यूपी में मेरी 41 सीटें हैं जिसमें मुझे पूरा जोर लगाना है। हमें प्रचार बहुत करना है, एक स्थान पर रहकर ऐसा संभव नहीं था। बता दें कि 28 मार्च को रायबरेली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं से मजाकिया लहजे में कहा था कि वाराणसी से लड़ जाऊं क्या। प्रियंका गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पूरी बातचीत अनौपचारिक तौर पर थी। प्रियंका के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि प्रियंका वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। इस बात को और बल तब मिला था जब कांग्रेस प्रवक्ता और MLC दीपक सिंह ने भी दावा किया था कि प्रियंका गांधी का वाराणसी से चुनाव लड़ना लगभग तय है। दीपक सिंह ने कहा था कि प्रियंका ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, एक दो दिन में बनारस से नामांकन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इन चर्चाओं के बीच प्रियंका लगातार कहती रही कि वो वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बस पार्टी की हार का इंतजार है। मतलब ये हुआ कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ने को लेकर तैयार है, लेकिन अभी तक उन्हें अपनी पार्टी कांग्रेस से इसे लेकर इजाजत नहीं मिली है। बता दें कि वाराणसी लोकसभा सीट देश की सबसे VVIP सीटों में से एक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में इसी सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे और 2019 में एक बार फिर वो इस सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।